सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक प्यारा सा स्नोमैन, क्योंकि यू नो अभी क्रिसमस का टाइम भी आ रहा है, तो ये सब बनाने से बहुत प्यारा लगता है और फिर हम उसे डेकोरेशन के हिसाब से भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट जैसा कुछ हो रहा है हम वैसे भी बना सकते हैं। वैसे मैं एक सीनरी टाइप बना रही हूँ, आप समझ जाएंगे लास्ट में। और यहाँ पर मैंने एक सॉक्स लिया है और लास्ट का जो पार्ट है उसे कट कर दिया, और उसमें हमें इतना चावल डालना है। ये थोड़ा क्योटिक माहौल था उस वक्त, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि शायद मतलब चावल गिर जाए, तो फिर ठीक है चलो ज़्यादा नहीं गिरा है। हम ऊपर रबर बैंड लगा देंगे और हमें मेन जो सॉक्स है जिसमें हमने अभी चावल को घुसाया उससे भी हमें हाफ में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें रबर बैंड से पार्ट्स को सेपरेट करना है। ऊपर वाला पार्ट होगा स्नोमैन का हेड और नीचे वाला पार्ट होगा उसका जो बॉडी, या ऐसे करना है। और वैसे कलर मैटर नहीं करता, जो भी जिस भी कलर का आपके पास रबर बैंड है, क्योंकि वैसे भी हमें उसे कोई भी क्लॉथ के पीस से तो यानी छिपाना ही है ना, क्योंकि स्कार्फ भी तो बनाना है हमें स्नोमैन का। तो ऐसे करके हम उसे टाई कर देंगे। और आप लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये आप ना ट्राई कर सकते हो, जैसे आजकल यानी क्राफ्ट्स हो रहे हैं DIY क्राफ्ट्स, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी उसके आईज बना रही हूँ, जैसे कि वो थोड़ा सा प्यारा सा क्यूट सा लगे। और मैं यहाँ पर मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, परमानेंट मार्कर का, उसका मतलब जो आईज बनाने के लिए, और उसका फेस भी। और मैं यहाँ पर एक क्यूट सा स्माइल दे रही हूँ, और अब मुझे उसके चीक्स को थोड़ा सा लाइक लाइट रेड कलर का या पिंकिश कलर का बनाना है, तो इसलिए मैंने रेड पेन लिया है, क्योंकि क्लॉथ पर ना रेड पेन बहुत हल्का सा चलता है तो फिर अच्छा भी लगेगा ऐसे। और अभी हमें उसका नोज़ बनाना है, तो ये काम मैं नहीं कर रही, मम्मी कर रही हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है हो सकता है मतलब मुझे चोट लग जाएगी। तो फिर यहाँ पर ऐसे मम्मी ने सिलाई कर दिया इसका और उसका नोज़ बना दिया है। और अभी हमें इसे मतलब यहाँ से निकालना है, और हमें यहाँ से मतलब ऐसे करके यहाँ से जो थोड़ा सा स्पॉट है वहाँ पर घुसा देना है। और उसके बाद मैंने इसे मतलब मम्मी ने, मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें जो सिलाई वाला पार्ट है, तो फिर यहाँ मम्मी ने ऐसे किया और एक्सेस को कट कर दिया ऐसे। एक्सेस को कट करने के बाद ही कुछ ऐसा दिख रहा है, कितना प्यारा नहीं लग रहा, कितना क्यूट सा लग रहा है ना। और अभी इसकी चोटी, इसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्नोमैन के पास इतनी बड़ी पोनी टेल नहीं होती, तो इसे भी हम कट करने वाले हैं इसके पोनी टेल को। और इसके जगह एक हैट रखेंगे, जैसे कि स्नोमैन बहुत प्यारा सा लगे, तो मैंने मतलब A4 साइज शीट को ऐसे फोल्ड किया है ट्रायंगल करके, और उसे कट करके वहाँ पर मैंने ग्लू कर दिया। मतलब आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लू का या फिर स्टेपलर का या फिर टेप का, सेलो टेप का। और अभी मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसे मैंने वाइट पेपर A4 साइज शीट वाइट कलर का उससे मैंने कवर कर लिया है। और अभी मैं कॉटन से मतलब मेरे पास फेविकॉल है उससे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ये होगा स्नो, और मैं वाइट पेपर का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्नो वाइट का होता है, तो फिर यू नो वो थोड़ा अच्छा भी लगेगा ऐसे देखने में। तो या अभी ये रेडी हो गया है, जो लैंड है हमारा जहाँ पर स्नोमैन अभी रहेगा। सो या आप चाहें तो कुछ यू नो ट्रीज भी लगा सकते हैं पेपर से बनाकर, वो भी प्यारा सा लगेगा। और ट्रीज में जैसे कुछ मतलब छोटे छोटे पॉम पॉम्स या वैसे यूज करके। और ये है कुछ पिक्चर्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।